गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। देख लिया लंबा ट्रिप, 6 रातों में भाई गाड़ी चलाई है 3550 किलोमीटर। आज का जो वीडियो बनने वाला है ये वो उन 3550 किलोमीटर के सफ़र में जो हमने इस गाड़ी में इंजॉयमेंट किया, जो प्रॉब्लम हुई, क्या माइलेज है, क्या कम्फर्ट है उसके बारे में, क्या लाइट का थोड़ा उसके बारे में जिक्र होगा। तो जो भाई जानना चाहता है व्लॉग पे बना रहे। अब तो मैंने इंस्टा पे भी डालने शुरू कर दिया भाई रील वगैरह, देख लिया करो यार, कर लो यार सब्सक्राइबर, जो मन करे कर लो आपका, बस जो करे। सब ने पूछा भाई मुझे बताओ सेकंड रो कंफर्ट कैसा है। तो कहते हैं ना, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो आज का व्लॉग में हर बात सच कही जाएगी। और बहुत से लोग कहते हैं कोई सफारी में इन दोनों में भी कंपेयर कर दिया कीजिए। तो आपको पता है कि मैं ही फैमिली जो शिफ्ट हुई है इस गाड़ी पे वो सफारी से शिफ्ट हुई है। तो हम लोग आपको बता सकते हैं कि भैया वो वैसे XZ प्लस मॉडल था, ये Z4 है, नीचे वाला मॉडल है। फिर भी जो बेस्ट बनता है वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब की है, आपकी ज़रूरत की, वो रख लीजिएगा, बाकी लीड मार दीजिएगा। तो क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई, मैं भी वीडियो बनाता हूँ यार, मेरा भी जो तजुर्बा है मैं उस हिसाब से बना देता हूँ शेयर, लेकिन मैं बिल्कुल रॉ करता हूँ, कोई इसमें कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं होते। तो सेकंड रो की बात कर रहा था फ्रेंड, इस गाड़ी का सेकंड रो का कम्फर्ट एकदम, अगर 250-300 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि मैं सफारी में हमेशा यहाँ बैठता था स्टेयरिंग पे, मैं पीछे बैठा नहीं, बट ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। तो कौस्तुब ने भी ये गाड़ी चलाई मेरे बेटे ने, तो मुझे मौका मिल गया भाई पीछे बैठने का। व्लॉग आपने देखे ही हैं, पीछे बैठने में एक दिक्कत इस गाड़ी में मुझे फॉलो जो हो रही है वो जो सीट है ये वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सीट आगे की तरफ तो फोल्ड होती है, तो मुझे जो है बैठने में, जैसे मैं बैठता हूँ इस गाड़ी में, ये फ्रेंड जैसे मैं बैठा हूँ, अब मुझे ऐसे बैठना पड़ता है, अलग मैं खड़ा खड़ा से गाड़ी में, अगर ये थोड़ी सी पीछे चली जाए, यहाँ ये स्पेस ठीक है इस गाड़ी में, यहाँ रखने की जगह भी है, लेकिन ये जो सीट है पीछे की, जो जिसपे हम अपनी कमर को लगाते हैं, टेक लगाते हैं, ये थोड़ी सी अगर बेंट हो जाती, रिक्लाइन हो जाती, तो भाई सोने पे सुहागा होता। ये मेरा फीडबैक है। 250-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 400-500 किलोमीटर जैसे मैंने गाड़ी ड्राइव की थी, तो पीछे सोने के लिए भी बड़ा बढ़िया होता, नींद आती है पर सवारी को। तो ये फैब्रिक की सीट है, ये लेदर की सीट से बेटर है, चेंज ना कराएं जब तक ज़रूरत ना हो। कि थर्ड रो कम्फर्ट कैसा है, देखो ये सबसे अच्छी बात है कि इस गाड़ी में हमारे पे मेंबर ही घर में कम थे, पीछे तो भैया हमने सिर्फ सामान रखा है और पीछे की सीट पे कोई बैठने वाला था ही नहीं, तो हमने बिठाया नहीं। लेकिन थर्ड रो में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और ब्रेकर पे ब्रेक नहीं मारोगे तो वो आपको उछाल देगी। तो मुझे नहीं लगता थर्ड रो में इतना स्पेस है, स्पेस काफ़ी कम है, सफारी में ज़्यादा था। लंबे रन के लिए छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, डॉग बैठ सकता है और लगेज ही रख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल वो सीट पीछे वाली नहीं है। अगर शादी वादी में जाना है 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो बच्चे बैठ सकते हैं, 5 फुट 5.5 फुट या 5 फुट 6 इंच के, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ब्रेकर पे सावधान, जो हम जैसे ड्राइवर है वो लॉन्ग रन पे क्या होता है, तो भाई मैं बता दूँ आपको, अगर लॉन्ग रन पे आप इस सीट पे बैठे हो, अगर आपके पास सीट ये वाली है भाई, तो इस गाड़ी के भैया मैं तो इतना लग्जरी फील कर रहा हूँ, भीड़ में ये गाड़ी भैया अल्टीमेट है। कितनी मर्जी भीड़ हो और कितने बड़े बड़े ओवरियम से इतनी बड़ी विजिबिलिटी इस गाड़ी में आती है, आपको चांस, मतलब आपके मन में ये नहीं आता इसमें कैमरा नहीं है पीछे, बिलीव मुझे रिलाइज ही नहीं हो रहा। हाँ वो ठीक है कि लगवाना पड़ेगा, अभी पीछे कोई बंदा बैठा दिखता नहीं है। इस सीट पर बैठने के बाद तो भाई बहुत मज़ा आता है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, 700-800 किलोमीटर आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वो भी वायर्ड है दोनों, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और हमें गूगल मैप देखने में कहीं पर भी तकलीफ नहीं हुई। काफ़ी स्क्रीन भी इसकी एकदम मस्त है, प्रॉम्प्ट है, जल्दी रिस्पॉन्स देती है। गाड़ी के अंदर आपको बॉडी रोल नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आप 80 की स्पीड पे 90 की स्पीड पे गाड़ी को आराम से मोड़ सकते हो। अपनी सस्पेंशन की बात भैया, इस गाड़ी के सस्पेंशन पता नहीं सॉफ्ट कहते हैं कि हार्ड कहते हैं, इस गाड़ी पे जब कोई ब्रेकर आता है या गड्ढा आता है या कोई गंदी सड़क होती है, आपको फील ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है भाई, इस गाड़ी के अंदर एक पॉइंट और पूछा, केबिन नॉइज तो है ही नहीं यार, इस गाड़ी में कोई भी केबिन नॉइज नहीं है। जिस जिसके आंसर मिलते जा रहे हैं वो वीडियो कंटिन्यू कर सकता है, और अगर छोड़ना चाहता है तो छोड़ भी सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स टू गुड, बहुत ही मस्त स्टीयरिंग बनाया महिंद्रा ने, भैया इलेक्ट्रिक है मेरी गाड़ी का तो, और इलेक्ट्रिक मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, वैसे इको स्पोर्ट में भी था, लेकिन इको स्पोर्ट का स्टीयरिंग भी इससे हार्ड था। सबसे ईजी टू ड्राइव गाड़ी मेरे पास अब आई है जो ये इलेक्ट्रिक वाला यूज़ किया है। वैगनार का भी मेरा हैवी था और वो भी इलेक्ट्रिक नहीं था, और सफारी का तो आपको पता ही जग जाहिर है भैया, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स नंबर वन है। अब बात करते हैं भैया, लोगों ने पूछा मोड्स के बारे में, यार मोड्स में जिप, जैप, जूम है, 3 मोड। जैप मोड पे स्टार्ट होती है तो मैं भूल जाता हूँ जैप
जिप मोड लगाना, जैप पे चलती रहती है। और जिप मोड जब लगाते हो भाई साहब, मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ सिटी में, इस गाड़ी में आप एक्सीलेट करते हो आपको मालूम पड़ता है गाड़ी का आधा दम निकल जाता है, मतलब आधे आधे का फर्क लगेगा आपको। तो जिप पे जैप पे मस्त है। और भाई जूम पे जब लगाते हो गाड़ी में डबल पावर आ जाती है जो जैप पे थी, तो जूम की भी पावर एकदम मस्त है। लेकिन रिवर्स करते हुए ध्यान रखना सिर्फ नॉर्मल मोड लगता है, कोई भी जिप जैप बोर्ड नहीं लगता है। लाइट का थ्रो क्या बताऊं, वैसे तो येलो ठीक थी बट मैंने तो चेंज करा ली, आपने देखा है मैं हाईवे पे गया हूँ, रातों में मैंने बहुत सफ़र किया है, इन लाइट के चक्कर में मैंने रातों को सफ़र किया है, 12-12 बजे तक गाड़ी चलाई है, 11 बजे चलाई है, आपने गिर भी देख लिया होगा और वो राजकोट देख लिया होगा। तो इस गाड़ी में भैया लाइट का जो रिस्पॉन्स है वो एकदम मस्त लगा मेरे को, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा। वाइट कलर की है, वैसे वो येलो भी ठीक थी, और फॉग लैंप मैंने लगाया, और जो मैंने मॉडिफिकेशन कराए हैं इस गाड़ी के अंदर, लाइट चेंज कराई है भैया, 60+60 है, यानी कि लो में भी 60 हाई में भी 60, तो 120 यहाँ 120 यहाँ, तो ये हो गया 240 मस्त एकदम भैया। मॉडिफिकेशन के बाद भी जितने भी मॉडिफिकेशन मैंने कराए हैं इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दी बेस्ट है। ब्रेक ओहो टू गुड, एक ही है टू गुड, मतलब अल्टीमेट ब्रेक है इस गाड़ी के भाई, खड़े ब्रेक मार लो गाड़ी यूँ रुक जाती है, दाएं बाएं भागती है, नहीं भागती, आवाज़ भी नहीं करती। आप जब भी ब्रेक मार लेते हो, जब अननेसेसरी कोई सामने आ जाता है और आप झटके से ब्रेक मारते हो, तो 10 सेकंड के लिए हैजार्ड लाइट ऑन हो जाती है पीछे वाले को बताने के लिए कि आगे कुछ अर्जेंसी है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। स्टोरेज इस गाड़ी की डिग्गी में तो कोई कमी नहीं, लेकिन इस गाड़ी में पानी की बॉटल रखने में, स्टोरेज करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, स्टोरेज की कमी इस गाड़ी के अंदर है, थोड़ी सी स्टोरेज इस गाड़ी में होनी चाहिए भाई साहब। USB चार्जर है इसके दो दे रखे हैं यहाँ पे, दो में क्या है कि भाई मैंने बताया एक में लग गया मेरा डिंडिंग भाई और एक में लग गया भैया मेरा चार्जर, बीच वाली रूम में एक USB चार्जर नॉर्मल होना चाहिए, सी वाला दे रखा है वो लेना पड़ता है, उसमें तकलीफ़ है, देना चाहिए। 12 वॉट का जो इसमें दे रखा है भैया, अगर गाड़ी पंचर हो जाती है कहीं पे, अगर आपको हवा भरनी है, अगर आप पंप रखते हैं, तो 12 वॉट का जो सॉकेट है भाई वो पीछे दे रखा है, वो सही में तकलीफ का काम है। आगे वाले टायर के अंदर हवा भरने में दिक्कत होती है, इस वाले तक तो वायर पहुंचती नहीं है, वो 12 वॉट का सॉकेट और बीच में भी कहीं होना चाहिए, वो तकलीफ का कारण है। आप देख लेना भैया, तो बाहर से लगवा लेना या वो गाड़ी खेल लेना, क्योंकि पंप से हवा नहीं भर पाते आप। हाई स्पीड मैं बता चुका हूँ भैया, ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर घंटे चलाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे तो तकलीफ हुई 130-140 लगता है कि हाई स्पीड है, गाड़ी चिपकती नहीं है, गाड़ी थोड़ी हिलनी से शुरू हो जाती है। मैं ऐसा ड्राइवर भी नहीं हूँ, वो तो मैंने व्लॉग के लिए बना दिया था, पर हाई स्पीड में इस गाड़ी का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं लगा। हाई स्पीड का मेरा मतलब है 120-130 से ऊपर, वैसे मैं हाई स्पीड वाला बंदा नहीं हूँ, अगर आपको हाई स्पीड रिस्पॉन्स चाहिए तो किसी दूसरे भाई का व्लॉग दे देना, देख लेना, वो आपको शायद अच्छा गाइड कर देगा, पर एज ए फैमिली मैन मुझे मज़ा नहीं आया। ये जो फुटस्टेप इसमें लगा भैया बहुत ज़रूरी है, अगर इस गाड़ी में फुटस्टेप ना हो तो ये गाड़ी में भैया चढ़ना उतरना बहुत प्रॉब्लम है। फुटस्टेप इस गाड़ी में मस्ट है, जो भाई वो ले रहे हैं Z2 ले रहे हैं तो भाई ज़रा फुटस्टेप का जुगाड़ पहले ही कर लें, क्योंकि पहले दिन ही फुटस्टेप लगेगा। Z4 वालों से तो महिंद्रा लगा के दे रहा, क्यों लगा के दे रहा आपको पता ही है भैया, क्यों गाड़ी में चढ़ उतर भी नहीं पाओगे, समझदार है, थैंक यू महिंद्रा। और अब मैं बात करता हूँ भैया माइलेज की, भैया इस गाड़ी ने मुझे जो माइलेज दी है MID में जो भी दिखाया भाई वो मुझे नहीं पता, बट इस गाड़ी ने मुझे 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी है। AC भी ऑन करना पड़ा और राजकोट में घंटों ट्रैफिक में फंसे थे, इस गाड़ी ने मुझे जो माइलेज दी है टैंक टू टैंक बता रहा हूँ मैं, जो मेरा डीजल लगा है वो मुझे 16 की माइलेज इस गाड़ी ने प्रोवाइड करके दी है, जिसमें मैं राजकोट में फंस गया था वो भी इंक्लूड है, सारा ये 3550 किलोमीटर की माइलेज है। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं भाई 18 इंची अलॉय बदलवाएं कौशिक जी, इससे फ़र्क पड़ा है? तो हाँ फ्रेंड, 17 इंची जब मेरी गाड़ी में अलॉय थे तो माइलेज ज़्यादा थी, 18 इंच के अलॉय लगाने से मेरी गाड़ी की माइलेज, मुझे माइलेज कम मिली है, वरना मुझे 17-18 की माइलेज मिल जाती। सफारी में मुझे 18 की माइलेज मिली थी, वो ट्रिप था 8000 किलोमीटर का, सफारी का इंजन भी छोटा है, उसकी टॉर्क भी कम है शायद, और इंजन भी छोटा है, और बस ये का और वेट भी कम है, इसका वेट 1980 किलो है, उसका 1825 किलो है, तो उस हिसाब से मुझे 2 किलोमीटर, और वो मैनुअल भी थी, तो 2 किलोमीटर का मुझे फ़र्क पड़ गया है। ऑटोमेटिक लेते हैं तो ज़्यादा कंफर्ट इस गाड़ी में है, हाई स्पीड पे तो ये गाड़ी दिक्कत देती है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने में इतना मज़ा आ रहा भाई, इतना ईजी टू ड्राइव है, लगता ही नहीं कि साला मैं ट्रैफिक जैम में हूँ, बहुत स्मूथ है और मतलब एकदम मस्त बिंदास है। मतलब अगर मैं 10 में से इसको पॉइंट देना चाहूँ, ग्रेडिंग करूँ, तो मैं 10 में से Z4 को 8 पॉइंट दे दूँगा, तो 8 मिल रहे हैं तो भैया गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। 16, 18, 20 लाख रुपए की गाड़ी मुझे पड़ गई है,
तो 20 लाख में तो भैया क्रेटा आती है, और क्रेटा कहाँ, ये कहाँ भैया। ये जो सामने इसका एनालॉग देख रहे हैं आप, स्पीडोमीटर देख रहे हैं, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बड़ा अच्छा है। इसमें देखो भैया सबसे बड़ी बात है, ये तो देखो आरपीएम आ जाती है आपकी, मैं 1500 रखता हूँ, मुझे हाई माइलेज चाहिए होती है। और ऊपर से देखो आप, यहाँ पे आपको टाइम दिखता है, यहाँ पे आपको दिखता है कि कोल्ड है कि इंजन आपका हॉट है, यहाँ आपको दिखाता है कितने घंटे आपने ड्राइविंग की, मेरा सारा जीरो हो गया सब पानी में, कौन सा मोड है वो दिखाता है, गाड़ी आपकी पार्किंग में वो दिखाता है, टोटल कितनी चल चुकी गाड़ी को दिखाता है, और यहाँ पे दिखाता है कितने किलोमीटर गाड़ी आपने चलाई है, आपका टेम्परेचर भी दिखाती है, ये आपका पेट्रोल भी दिखाती है, ये आपकी वो भी दिखाती है गाड़ी की स्पीड क्या है, और यहाँ पे स्पीड वैसी भी आ जाती है भैया। तो ये जो सामने दिया है बहुत इन्फॉर्मेशन है, ये इंजन विंजन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और ये स्क्रीन भी भैया बहुत गजब दी है इन्होंने ये सारा। और एसी इस गाड़ी का भैया, एसी के बारे में भैया क्या बात है यार, गाड़ी का एसी तो इतना दमदार है इसका, मज़ा आ गया एसी का यार। और पिछले वाली सीट पे भाई और भी गजब, एक पे था और मेरे मुंह पे वाला खड़ी थी पीछे बैठी, तो वो भी मैंने आपको वीडियो, अगर आपने मेरी वीडियो फॉलो की है तो आपको मालूम होगा, लेकिन गाड़ी का एसी भी मज़ेदार है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये ड्राइव मोड्स हैं, मैंने सारे मोड बताई दिए आपको। तो गाड़ी में ये डिफॉगर भी चलाया मैंने, ये फ्रंट डिफॉगर है, ये बैक साइड का रियर डिफॉगर है, ये भी मस्त था। तो कुल मिला के मुझे अगर ये दिक्कत मैं हटा दूँ इस गाड़ी में से, ये दिक्कत, एक दिक्कत है ये जीरो हो रही है बार बार, दूसरी दिक्कत है सीट फोल्ड नहीं हो रही, तीसरी दिक्कत है कि इसमें स्टोरेज कम है, और आई थिंक इस गाड़ी में चार्जर USB 12 वॉट का पीछे है, ये कुल मिला के थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बहुत ही नॉमिनल सी हैं, मार्जिनल चीज़ें हैं। अगर ये इम्प्रूव कर ली जाए इस गाड़ी को आप 10 में से 8.5 मार्क्स दे सकते हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये 8.5 से 9 की तरफ जा रही है, बहुत बिंदास है, बेस्ट डिसीजन है मेरी लाइफ का, इसको चलाते हुए मुझे भीड़ भाड़ में दिक्कत नहीं हो रही है। तो आई थिंक मेरे व्लॉग पे आने का फायदा होता है कि तो प्राइस जरूर शेयर करता हूँ आपके साथ, और क्या एक जजमेंट जरूर मिलती है आपको, ऐसे नहीं कि बंदा व्लॉग देख ले ना इधर का हो ना उधर का हो, जिसकी बाइक की आनी है ले लो, थोड़े बहुत जरूरी मॉडिफिकेशन करा लो, 20 लाख से नीचे में ही आपके सारे काम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई स्पीड लवर इस गाड़ी को ना खरीदें। अब स्टार्ट करता हूं गाड़ी को, गाड़ी का आवाज देखिए आप, मस्त एकदम। तो बिलीव यू मी, मैं इस गाड़ी में जब भी बैठता हूँ आई एम इन लव, बट प्रॉब्लम ये है ये गाड़ी मिल की नहीं थी लोगों को, अब भाई लोगों ने बुक रखी है, सबकी डेट बढ़े जा रही है, वो मेरे टच में है बहुत सारे लोग, लेकिन महिंद्रा से मुझे उम्मीद है कि महिंद्रा टाइम पे देगा, सबको टाइम पे देगा जो प्रॉमिस की है। सफारी ये है कि आपको 15 दिन में महीने भर में मिल रही है, ये मिलती नहीं है, पर दोनों ही गाड़ियाँ एट पार है, दोनों में से कोई सी ले लो, पर सफारी ऑटोमेटिक लेना। क्रूज भी मैंने बहुत लगाया, क्रूज भी मस्त है भैया सारा इसका। इसमें गाड़ी में जब मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करता हूँ भाई साहब, इससे मैं फ़ोन काट देता हूँ, इससे मैं इसकी वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ, इससे मैं म्यूट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं गाना लगाता हूँ ना, देखते हैं ना, ये मेरा कनेक्ट होता है फ़ोन, और अब इसमें गाना आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। अब मुझे इसको ये देखिए फिर चला दिया वॉल्यूम, इससे होगी मुझको है दिल, इससे गाने को आप आगे पीछे कर सकते हो, आगे आ गया, इससे आप अपने फोन से FM लगाना, इससे बंद दबाइए, वहां भी कर सकते हो, यहाँ पर भी स्टीयरिंग पे सारे के सारे कंट्रोल है। अरे बंद हो जा भाई, ये बंद हो गया। इससे वाइपर, वाइपर की भी रिस्पॉन्स बड़ा गजब भाई, दिखाऊं, देख लो भाई, हो गया साहब एकदम मस्त। ये मेरा फॉग है, फॉग लैम्प जम गया, जल गया होगा, फॉग लैम्प है ये, और ये मेरा है लाइट्स, ये लो है, ये लो बीम है, ये हाई बीम हो गया, देखिए आप, ग्रीन है तो मेरा लो रहेगा, जैसे दबाता हूँ हाई हो, ये डीपर हो गया, वो हैंड ब्रेक लगा रहा, तो मतलब एकदम स्टीयरिंग पे है। और ये लॉक अनलॉक भी भाई बड़ा बढ़िया है इसका, ये बटन मैंने लगवा रखा है, इसका यूज़ बाद में करूँगा, ये इससे मैं एडजस्टमेंट करता हूँ इसकी भैया, बाकी तो सारे जवाब दे चुका हूँ, ये बड़ा गजब लगता है भैया लॉक अनलॉक ये वो, तो सब मिला के इसके जो फंक्शन है वो एकदम मस्त रहे हैं। अभी काफ़ी हो गया, आपका टाइम मैंने बहुत वेस्ट कर दिया है। ये ऐसे यहाँ पे देखो, ये मेरा डिंग डिंग पाई लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप, सबसे ज़रूरी चीज़ आप भी लगवा लेना, और ये मेरा इससे हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक चार्जर की जरूरत और पड़ती है, बट ये है कि लगा दिया और ये चलता रहता भैया। साउंड भी इस गाड़ी का एकदम मस्त है, जो मैं सुनने वाला हूँ
मुझे मस्त लग रहा है भाई। भगवान की मूर्ति लगाने को भी देखो, ये गणेश जी वही हैं जो मेरे इको स्पोर्ट के थे, मैंने यहीं लगा दिए, बहुत सेट जगह बैठे हुए हैं यार। थोड़ी होती है भाई, पता नहीं परफ्यूम का क्या था, मुझे तो कोई स्पॉन्सर मिलता नहीं भैया, जितने मिलते हैं ना भाई बैटिंग ऐप वाले मिलते हैं, और मैं बैटिंग वालों कम से कम 500 लोगों को मना कर चुका हूँ कि कुलदीप कौशिक भाई बैटिंग ऐप को प्रमोट करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, वो काफी पैसे देने तैयार है मेरे को। कौशिक जी आप, मैं नहीं करूंगा ही नहीं भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बैटिंग ऐप करके पैसा कमाएं, मेहनत करके पैसे कमाएंगे तो बैटिंग ऐप को नो। स्लाइड नहीं हो रही, कोई मिट्टी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्लाइड नहीं हो रही, ये होना चाहिए, थोड़ी स्टोरेज हो जाती तो बढ़िया रहता। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि लाइटें वाइटें भी, मुझे इसमें दिक्कत ज्यादा नहीं हुई। ये उतर रहा भाई, जा रहा हूँ, देखो जा रहा हूँ बदलवाने के लिए, ये इसमें लगवाऊंगा, और भाई टायर लगाने से माइलेज कम हो जाती है, बड़े टायर लगाने से पता नहीं 20-20 इंच वालों का क्या होगा भाई, लेकिन 18 इंच पे ही 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का तो माइलेज मुझे फ़र्क पड़ा ही पड़ा है। मुझे उम्मीद थी मैं इसे 20-22 निकाल लूँगा, क्योंकि अगर मैं माइलेज नहीं निकाल पा रहा तो बहुत मुश्किल है माइलेज निकालना। अब सेंसर के बारे में बताना फ्रेंड, सेंसर आगे लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ, लोग कहते हैं यार बड़ा पेनफुल है सेंसर लगवाना, कहोगे तो लगवा दूंगा। ये मैंने बताया भाई 60 की लो है और 60 की हाई है, ये 5-6 हज़ार में आ जानी चाहिए। पहले मैंने 220 लगवा दी थी लेकिन वो चली ही नहीं, गाड़ी लुप लुप करने लगी थी। तो आप बताना फ्रेंड, गाड़ी अब तो डेली धुल रही है भाई, अब तो यही चलेगी, वो टॉप एंड का मॉडल करा लिया था मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, कैसा रहा भाई 3550 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने, 12-12 घंटे 13-13 घंटे भाई कुलदीप भाई आपका बैठा रहा है, और बता रहा हूँ मुझे ये तो हो गया था, सोए नहीं रात को, क्योंकि पहले गया जैसलमेर भाई 800 किलोमीटर, फिर गया सब में रात गुजारी, फिर गया भाई रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ गया भाई गिर, गिर के बाद मैं गया सोमनाथ जी, सोमनाथ सीधा आ गया राजकोट से पास, राजकोट से आ गया उदयपुर। सोचो सोचो यार भैया 3550 किलोमीटर का है मेरा ये एक्सपीरियंस, कोई 4-5 किलोमीटर का नहीं है, 5000 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल चुकी है, और एक महीना गाड़ी को लिया हो भाई आपको, तो भाई 5000 तो बहुत हो गया, अगर मैं 5000 चला रहा हूँ हर महीने तो 1.5 लाख चल जाएगी मेरी यार। पर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि पैसा चाहिए होता भैया। फिलहाल ये टोटल एक्सपीरियंस था, हमारे 4 आदमियों के लिए गाड़ी कंफर्टेबल है फुल, रिशान ने फुल मजे लिए हैं, और आगे रिशान और मैं तो पीछे बैठा गाड़ी में, पीछे बैठने पे एक ही तकलीफ हुई थी, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जी पसंद आया होगा आपको, पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा फॉलो कर लेना अपने भाई को, मोटिवेशन बना के रखो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।